वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो प्रिंस भैया को बड़े दिनों से लोग मिस कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि भैया एंड्रॉइड जो है वो कहाँ है, एंड्रॉइड कहाँ है। तो भाई को मैंने आज बोला था भाई एंड्रॉइड कहाँ है, तो भाई ने बोला कि भाई 4/64 और नेक्स्ट क्या आने वाला है 6/128। तो 6GB 128GB जो है सबसे पहले इंडिया में लाने वाला है मेरा प्रिंस भाई, जिनका अपना ब्रांड है जिसका नाम है हाइपरसोनिक। और आप लोग कह सकते हो भाई वन ऑफ द ट्रस्टेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड जो कि आप लोग को इंडिया में मिलता है एंड्रॉइड के लिए। लेकिन आज के वीडियो एंड्रॉइड के ऊपर नहीं है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने कैप्शन पढ़ लिया है। तो हाइपरसोनिक वाले भैया इसके साथ में पता नहीं कितने अनगिनत प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। कई सारे प्रोडक्ट जो मेरे पास होते हैं वो मैं भैया से मंगवा लेता हूँ और उसके बहुत सारा लॉट हमारे पास ऑलरेडी रहता है। तो आज हमारे पास दो तरीके के जो है, एक क्या बोलते हैं भाई इस वाले को, रियर व्यू डैश कैम है और ये आपका विंडस्क्रीन डैश कैम है। ये विंडस्क्रीन वाला यानी कि जो आपकी स्क्रीन में, मतलब आपकी विंडस्क्रीन में सीधे लग जाता है। और ये वाला बड़ा क्लासिक है, पहले इसको हम लोग जो है अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा। इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिप्सी में, मैंने ये लगाया था। और जो मैं अपनी, वो दूसरा मॉडल था जी, अच्छा। और जो मैं अपनी गाड़ी में लगाने वाला हूँ वो ये है। तो क्यों लगा रहा हूँ ये भी देख लेना, हम टेस्ट करेंगे, जो ज्यादा वायबल लगेगा भाई को हम वो भाई की गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। ऐसा है क्या? लाइटर पोर्ट से हम दोनों टेस्ट करेंगे अंदर। चलो भाई डन हो गया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बैठे हुए गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हाइपरसोनिक का रियर व्यू मिरर। और ये जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर इसको आप ऑफिशियली खरीदना चाहते हो तो मुसाफिर कार से आप लोग खरीद सकते हो। प्राइसिंग जो है वो नीचे लिखे हुए आ रहे होंगे, प्राइसिंग भी आप लोग देख लेना। अगर नीचे लिखे हुए ना आए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को विद GST वाले जो उसके प्राइसिंग है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो प्रिंस भैया एक बार जरा अनबॉक्सिंग समझाओ। अच्छा, ये भी ऐसे बना रखे क्या पूरा? तो भाई ये तो आ गई आप लोगों की स्क्रीन, जो कि मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। इसके स्ट्रैप, अच्छा इसका स्ट्रैप होता होगा पीछे, बिल्कुल भाई। तो ये आप लोगों की मेन स्क्रीन होती है और इतने स्क्रीन में अगर आप लोग देख पाओगे तो इतने स्क्रीन में ही आप लोगों को इसमें ऑप्शंस मिलते हैं कि आप लोग जो है पूरी पीछे वाला व्यू या फिर रियर व्यू मिरर वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग देख सको, ठीक है। तो ओए होए होए बढ़िया भाई, स्ट्रैप के साथ इट्स बेटर बिकॉज मेरा वाला विदाउट स्ट्रैप था तो वो निकले जा रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं होगा, आकृति भी हमारे साथ था, आकृति ने बता दिया। तो ये विद स्ट्रैप जो है ऑप्शन जो है वो जबरदस्त है। और भाई अभी हिलेगा भी नहीं, अरे बस भाई एक्सट्रीम टेस्ट दिखाते हैं भाई अपन लोग, ठीक है। प्रिंस इसको एक बार उतार देते क्योंकि हमने मेन चीज मिस कर दी भाई। भाई लोगों को कैमरा तो दिखा दे भाई, कैमरा कहाँ पर हमने प्लेस किया, ठीक है। तो इजिली खुल भी जाता है, ठीक है। तो इसका कैमरा अगर आप लोग देखना चाहोगे, कैमरा इस तरह मिलता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये आप लोगों की जो है जहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन पूरी आवाज की आती है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कैमरा प्रिंस इसका क्या है भाई, HD वाला सीन है क्या है पहले बता दो। बिल्कुल भाई, कैमरा की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट जो स्पेसिफिकेशन है भाई बताएंगे। इसके अंदर से और क्या क्या निकले भाई? भाई वो इसको चार्जर कनेक्ट करके हम इसको प्ले करेंगे गाड़ी के अंदर। अच्छा, कैमरा भी आता है इसके साथ? जी बिल्कुल भाई, रियर का कैमरा ना, रियर रिकॉर्डिंग के लिए भाई, रियर व्यू कैमरा। नाइस यार। और इसके साथ आप लोगों को मिलता है टोटल पावर सॉकेट भी, कैटलॉग मिलती है प्रॉपर आपको इसके साथ, जिसमें इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड प्रॉपर्ली फॉर द यूजिंग कंडीशंस एंड द वर्किंग कंडीशंस। चलो भाई तो बहुत अच्छी बात है। मेमोरी कार्ड भी कंपैटिबल है इसके अंदर, ठीक है। 32GB तक मैंने यूज करा है, उसके बाद मुझे पता नहीं, 32GB मैंने डाल के यूज करा है। अब मेरी जगह आकृति भाई से क्वेश्चन पूछ रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये ऑन होगा और इसमें अगर आप देखोगे चमचमाता हुआ आपको स्क्रीन, टूटी नहीं भैया? नहीं भैया, बच गई है। इसके ऊपर प्रोटेक्टिव पेपर लगा, खोल लेते हैं एक बार, खोल लेते हैं जी, बिल्कुल खोल लेते, एक बार खोल लेते हैं बाकी प्रॉपर। तो भाई हम लोग वैसे अनबॉक्सिंग बनाते हैं, गाने आते हैं, इसमें गाने आते हैं। पूछा था कि कैमरा कितना है इसका, तो मैं पहले वो उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। 1080p मेगापिक्सल का कैमरा है इसका, 1080 मेंशनड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखेंगे आप, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको 1080 मेंशन होगा। उसके बाद जब मेमोरी कार्ड डालते हो उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो। इसको 720 में भी कन्वर्ट हुआ था क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट किया था ना, देखो इसमें नो मेमोरी कार्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, इसीलिए। बाकी अगर आप क्वालिटी देखना चाहो तो इट लुक्स रियली नाइस भाई। ये तार को छुपा देते और मतलब ये तो कैमरे वाला काम भी कर रहा है। अगर ये मतलब स्टेबल कर दो, ऐसे हिलाओगे तो हिलता रहेगा, लेकिन स्टेबल में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और इसके साथ में एक आपको कैमरा मिलता है, तो कैमरा भी सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है भाई? हम ट्राई करते हैं कैमरा को डायरेक्ट कनेक्ट करने की, लेकिन डायरेक्ट आई गेस होगा नहीं, क्या हो जाएगा एक हमें वो चाहिए होगा ना सॉकेट का, उसके लिए करंट देना पड़ेगा, ठीक है भाई। ओ माय गॉड भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, ये लीजिए आकृति शूट कर रही है, देखो
फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हिस्ट्री भाई, ये कैमरा जो है इसके साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, एक फीजिबल सी चीज मैं आपको ये समझाता हूँ। ये जो वायर है ये आपकी रिवर्स के बल्ब पे कनेक्ट होगी, कोई उसके लिए बल्ब काटने की जरूरत नहीं है, कोई वायर काटने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली वही जब बैक का गियर डालते हैं तब उसके साथ भी चल जाएगा। एकदम से क्या होगा, तब कैमरा बड़ी स्क्रीन पे आएगा। अच्छा, जब आप बैक का गियर डालते हो इस वायर के अंदर ऑटोमेटिकली रिवर्स लैंप से करंट आता है, तो कैमरा जो है ऑटोमेटिकली बड़ी स्क्रीन पे आएगा। तो लेकिन फिलहाल के लिए तो जब हमने इसको केबल कनेक्ट किया तो ये डैश कैम का काम तो कर ही रहा है ना। हाँ जी, मतलब इसके डैश कैम वाला जो रिस्पॉन्स है आप लोग अगर देखना चाहो, प्रिंस भाई ने रखा हुआ कैमरा की क्वालिटी भी देखो। अब आप फुल स्क्रीन में रियर कैमरा 1080p का नहीं है। अच्छा, बट फ्रंट कैमरा जो है वो 1080p का। आप एक बार फ्रंट की क्वालिटी देखो, फ्रंट और रियर की क्वालिटी में आपको फर्क पता चल जाएगा। तो मेरी गाड़ी में ऑलरेडी एक कैमरा लगा हुआ है, तो क्या वो इसके साथ सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा? नहीं भाई, इसके साथ जो कैमरा है वो सिर्फ ये कैमरा जो DVR के साथ आता है वही कैमरा कनेक्ट हो पाएगा। अगर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी एक कैमरा लगा हुआ है रिवर्स कैमरा, तो उसकी आपको प्लेसमेंट को छेड़ना नहीं है। ये कैमरा आपको अलग से नंबर प्लेट पे लगाना है, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डिंग कैमरा। ठीक है, क्योंकि कैमरा जो है ये जो रिवर्स कैमराज होते हैं उनकी लाइफ इतनी बढ़िया नहीं होती, क्योंकि जब हम रिवर्स गियर डालते हैं गाड़ी के अंदर तो वो उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही ऑन होता है, मतलब 1.5 मिनट या 2 मिनट के हम उसको इंटरवल के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये कैमरा अगर आपकी गाड़ी 6 घंटे 7 घंटे ड्राइव हो रही है तो ये कैमरा कंटिन्यूअसली चल रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसमें हीटिंग इश्यूज रहते हैं उन कैमरास के अंदर। इस कैमरा में हीटिंग इश्यू नहीं रहता और क्वालिटी यार बहुत अच्छी है भाई। भाई आपके और इवन इसमें आप लोगों को LEDs वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। प्राइसिंग अगेन अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्राइसिंग पूरी मिल जाएगी। नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं और मेरी दाढ़ी भाई कटवानी पड़ेगी भाई, शादी आ रही है अब तो। है किसकी शादी हो रही है भैया? सुनने में आप कर रहे हो शादी? चलो भाई ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात YouTube पे आ रही है क्या वीडियो कोई? चलो भाई इसके बारे में बात करेंगे, जरा टॉपिक चेंज कर देते हैं। और इसी के साथ में इसमें आप लोगों को वॉइस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। एक बार पकड़ लो इसको भाई, ठीक है ऐसे शूट हो जाए पूरा। आपको इसमें वॉइस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, इसमें आप वॉइस ऑफ या ऑन कर सकते हो आई गेस। ठीक है, और अच्छा नहीं ये तो स्प्लिट वाला है, ये जो मैं दबा रहा हूँ स्प्लिट वाला है, इसमें दोनों स्क्रीन आ जाती है। इधर से आप आवाज ऑन या ऑफ वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों का आ जाता है। तो भाई जबरदस्त चीज है अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हो। यहाँ पर आप लोगों को मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है। ये कैमरा जो है ये एडजस्टेबल नहीं है भाई, ये अपना फिक्स्ड एडजस्टेबल है भाई ये। क्या बात कर रहे हो, ओ माय गॉड, अरे भाई फुली एडजस्टेबल है। अरे यार वेरी नाइस सर, मतलब अगर गाड़ी चलाते हो नीचे का पूरा ऐसे को शूट करना है व्यू अकॉर्डिंग टू कार, क्योंकि हर गाड़ी का मिरर एक पोजीशन पे नहीं होता कभी भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करके कैमरा को आप एलोकेट कर सकते हो ऊपर नीचे। चलो भाई परफेक्ट है। तो पहली डिवाइस आप लोगों ने देख लिया, ठीक है लुक्स वेरी डैशिंग। अब मन जो है वो क्या बताऊं मैं आपको, मतलब मेरा प्लान था कि एक बार वो दिखाना भाई। मेरा जो प्लानिंग था वो ये था कि मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, लेकिन प्रिंस भाई की रिक्वेस्ट पे थोड़ी लाइटिंग और जला देते हैं। और अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले इसको हम साइड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, राहुल भाई को अनबॉक्सिंग जो होती है ना राहुल भाई की, बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, सब चीजें खोल देते हैं। मैसी होती है, सब चीजें खोल, सब चीजें खोल देते हैं। मैसी अनबॉक्सिंग करते हैं राहुल भाई। लेकिन भाई एक डीप चीज बताता हूँ भाई, देखिए देखिए कितनी मैसी अनबॉक्सिंग है ये, और अगर ये नहीं लगा तो कैसे खराब हो जाएगा, कोई भी अकाउंट में जोड़ देना। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा वाला बॉक्स जो आता है वो हम आप लोगों के लिए ओपन कर रहे हैं। अगेन इसकी प्राइसिंग अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आप लोगों को विद GST प्लस शिपिंग वाले प्राइसिंग जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और देयर यू गो, तो भाई आपका फुल SD, तो भाई निकॉन का वो लग रहा है कैमरा जैसा आता है भाई। इसके आगे ये प्रोटेक्शन वाला भी आता है, फिल्म है। एक बार हमें इसके लिए क्या इसके अंदर है पहले तो ये देखो। तो भाई देखो प्रिंस भाई ने हर किसी के अंदर एक बैक कैमरा तो दिया ही हुआ है। तो प्रिंस भाई देखो तुम वाला कौन सा वाला रिकमेंड करते हो, ये वाला या वो वाला? भाई मैं तो मिरर वाला रिकमेंड करता हूँ आपको। तो मिरर वाले में पीछे से लाइट पड़ेगी तो दिखेगा? हाँ हाँ भाई, एंटी क्लियर ग्लास है आप देखो। अच्छा, ये ग्लास जो है ये नॉट व्हाइट कलर का ग्लास नहीं है, नॉर्मली अगर आप देखोगे लाइट अब्सॉर्बिंग ग्लास है। अच्छा अच्छा, मैं इसकी वजह से थोड़ा सा हाँ जी घबरा गया था। चलो ठीक है, इसको देखते हैं अभी, पहले इसकी भी क्वालिटी में देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी DVR आज की डेट में नेसेसिटी हो गई है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें इंसिडेंसेस रोड के। मेरी भी गाड़ी में भाई मैंने ऑलरेडी डैश कैम लगाया हुआ है, लेकिन इस डैश कैम में दिक्कत क्या है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये देख रहे हो, अच्छा ये तो हटा हुआ है। वैसे ये जब ऑन होता है ना तो इसमें कोई एरर आ जाता है, अभी तो प्लग का आ रहा है, वैसे इसमें कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से ये अपने आप ही बंद हो जा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, या तो मैंने इसका बहुत एक्सट्रीम यूज कर दिया है इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। बाकी जो डैश कैम आप लोगों को विंडशील्ड वाले मिलते हैं इनमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें पूरा डेमो के लिए भी अपने लिए बहुत ईजी है। अगर आकृति यहाँ दिखाएगी तो ऐसा जो है पूरा आप लोगों को लगाने का ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अपन लोगों ने क्या करना है अभी, अपने लिए थोड़ा सा काम जो यहाँ पर बढ़ जाता है, तो या तो हम लोग इसको ऐसे खोल के प्रिंस इसके वाले पार्ट को अगर ये निकल जाए भाई, आप दिखाओ मुझे, दिखा दो भाई, आप मुझे दिखा दो भाई। नहीं भाई ये अनबॉक्सिंग, तो मुझे दिखा दो भैया। ये देखो भाई, बस हमने केवल ये बॉल चेंज करनी है,
और हमारा उसी उसमें जो है आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, स्टैंड चेंज करना नहीं चाह रहे? नहीं स्टैंड यार, उसमें पूरी टेपिंग के साथ मैंने लगा रखा है भाई, बढ़िया लग रहा है प्रिंस। देखते हैं भाई इसकी बॉल, और इसकी बॉल सेम साइज की है नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सो 6 ईयर्स लेटर तो हमें 6 ईयर्स लेटर जो है ये पता चल गया कि भाई इसकी बॉल और इसकी बॉल में बहुत ज्यादा फर्क है जमीन आसमान। मैंने राहुल भाई को ये कहा था ऑल बॉल्स आर नॉट द सेम साइज, तो भाई तो गलत बात नहीं बोली, गलत बात नहीं बोली थी भाई। तो इसको यार यार ऐसे भाई आप मुझे इसकी इसकी बॉल दे दो भाई, मैं इसको आपको लगा के ठीक है भाई, देख लो आखिरी देख भाई जो हमारे कौन है भूल गए भैया का नाम भूल गए, ये लिए ये स्क्रू हो जाएगा इसके अंदर, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है इसकी। सो दिस इज DIY, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। हाँ तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं घर पे इंस्टॉल। और आप में से जिसको जितनों को नहीं पता है हाफ ऑफ द एंड्रॉइड जो खराब हो जाते हैं उसको रिपेयर अगर करना होता है तो वो भी प्रिंस भैया करते हैं, इवन अगर किसी के डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल इजीली इसके ऊपर मैंने इसको स्क्रू कर दिया। और अब जो सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि आसान हो जाएगी एक बार अगर आप पास में आओगे ठीक है, तो जैसे प्रिंस हमारे वालों में पहले वालों में तो ये शीशे में प्रोटेक्शन टाइप की आती थी, तो अपने वाले में कुछ आता है? नहीं भाई, ग्लास के ऊपर लग जाता है, ग्लास को डैमेज नहीं करेगा ये बिल्कुल भी। आपका जो पहले वाला उसमें प्रोटेक्शन इसलिए आ रखी है क्योंकि उसके अंदर टेप है, ये वैक्यूम है, ये ग्लास के ऊपर मार्क नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये वैक्यूम वाला? जी जी जी, वैक्यूम वाला निकल जाते ना कभी कभी? जी बिल्कुल निकल जाता है वैक्यूम वाला, अगर वैक्यूम अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो निकल जाता है। इसमें वैक्यूम जो है एयर सेक्शन, देख लो भाई इधर देखो, जिसको आप प्रेस करोगे तो सारी एयर जो है निकल जाएगी। कितनी जल्दी निकल गया? सारी एयर निकल जाएगी इसके अंदर। इसको आप उधर ही प्लेस कर दो, इसको मैं इधर लगा के, टेप वेप तो लगी गई हल्की ये। हाँ ये अगर मैं इसको प्रेस कर दिया यहाँ से, अब मुझे इसको राहुल भाई निकाल के दिखाएंगे कि इसको कैसे निकाल। नहीं निकलेगा नहीं, ये तो सही आपने कहा। नहीं ऐसे नहीं यार राहुल भाई, यार गलत बात है, ऐसे नहीं करो आप। अब आप इसको एक मिनट को इसको लॉक करने दो मुझे, अब आप इसको खींच के दिखाओ राहुल भाई एक बार। भाई ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं इतने प्रेशर से भाई। मैंने कितनी जान से खींचा, लोगों ने भी देख लिया होगा भाई। अरे राहुल भाई तो एक्सट्रीम मोड पे आजकल चीजें टेस्ट करने लगे भाई, ये तो एकदम से उतर गया राहुल भाई। आजकल ना जेरी रिक्स की वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं। बस बस भाई आराम से, भाई आराम से भाई, प्लीज स्टैंड टूट जाएगा भाई। चलो भाई मजाक चल रहा है, ये मजाक में कर रहे थे जो भी चीजें थी। और बाकी मेरी तार यही यूज हो जाएगी भाई? भाई तार हम क्यों यूज करेंगे भाई, ये वाली, ये आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, ऑल पोर्ट्स आल्सो आर नॉट द सेम। अच्छा ऐसा भी है? हाँ जी भाई, भाई हम ये वाला पोर्ट यूज कर सकते हैं, हमने इसकी चार्जर पहले खोली थी ठीक है, तो दिस इज द सेम चार्जर विद दैट वन। तो मैं तो डायरेक्ट करवा लूंगा ना भाई, वो तो हम जैसे अभी तो हम देख रहे हैं भाई क्या है, उसके बाद इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे विल डू द डिफरेंट वे। चलो परफेक्ट, अभी तो हम बस एक पहले ये डिसाइड कर रहे हैं कि लगाना क्या है, रियर व्यू वाला लगाना है या ये लगाना है। नहीं भाई लगाना तो भाई दोनों है। दो टेस्ट ये वाला भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, एक बार आप लोग देख लो ठीक है भाई। तो प्रिंस भाई एक बार आगे जाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, ये तो आपको आगे जाना ही पड़ेगा भाई, जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको आगे जाना ही पड़ेगा भाई। आप मुझे बहुत आगे भेजोगे। देखो भाई हमारे प्रिंस भैया आने वाले हैं सामने, ठीक है थोड़ा नीचे नीचे झुक जाओ। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया। और आकृति यहाँ पर हमारी गलतियां ठीक करती हुई। और प्रिंस ये वाला जो है हमको कितने उसमें मिलता है भाई? ये 1080p तो नहीं होता ना? नहीं भाई 1080p नहीं है। तो हमारी गाड़ी में कौन सा हम इंस्टॉल करें भाई? मैं पहले तो मेरा मन इसी का था, लेकिन अब प्रिंस भैया ने जब वो क्वालिटी दिखा दी ना बिल्कुल रॉ जबरदस्त भाई, मिरर वाला लगाओ वही बेटर है, वही लगा लूं। हाँ। प्रिंस भैया निकाल दो जरा इसको बाहर। हाँ तो भाई जरा ऑडियंस को बता दो कि कौन सा मेरी गाड़ी में लगाना भाई, है भाई मैं तो मेरे वाले ही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, पर्सनल चॉइस है, दोनों ही बढ़िया है। तो भैया मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि वो 24 घंटे ऑन रहे कैमरे? 24 घंटे भाई ऑन रहे भाई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, भाई मैं उसमें कर दूंगा 24 घंटे ऑन, गाड़ी की बैटरी पे इफेक्ट आएगा और डिवाइस की लाइफ पे भी इफेक्ट आएगा भाई। अच्छा नहीं करना चाहिए भाई, ऑब्वियसली बात है, कोई डिवाइस को आप 24 घंटे यूज कर रहे हो और आप एक घंटे के लिए गाड़ी निकाल रहे हो, वो एक घंटे के लिए चल रही है, डेढ़ घंटे के लिए चल रही है, 24 घंटे आप उसको यूज करोगे तो उसकी वर्किंग लाइफ और आवर्स पे फर्क तो पड़ेगा ही ना। चलो भाई ये सच्ची बात है। तो अब हम लोग इंस्टॉल करने वाले अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भाई लाइफ टाइम नहीं होता, चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो, एक टाइम उसका भी आता है जब पूरा हो जाता है। चलो क्या कहती है आकृति, कौन सा वाला बेस्ट है? स्क्रीन वाला, जो इस पे वाला है। और शादी किसकी होने वाली है? होगी किसी ना किसी की, तो वही रही होगी। चलो भाई ठीक है, राहुल भाई की शादी हो रही है, आप सबको आना है उसके अंदर। चलो भाई वो टॉपिक चेंज। रॉ टेस्टिंग जो है वो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी इसका स्क्रीन जो है वो अपने आप लोग चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, हम लोग अभी रोड में चला के देख रहे हैं कि कैसा व्यू पॉइंट जो है वो इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगेन जितने अच्छे तरीके से ओवरव्यू आप लोगों को मैं दे सकता हूं उतना मैं दे रहा हूं। और अगर आप लोग देखोगे साइड की लेफ्ट वाली चीजें जितनी हो सकती है उतनी कवर कर रहा है, राइट वाली भी कवर कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना चाहो तो आप लोग
कर सकते हो। अगेन अगर आप लोगों को प्राइसिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। और हम लोग पहुंचने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पास, क्योंकि वहीं पर हमारे हाइपरसोनिक वाले भैया का मेन पार्किंग स्लॉट है जहां पर सब गाड़ियों में काम होता है। तो लेफ्ट में गाड़ी लगा लेंगे भैया, ठीक है। और आप लोगों ने आउटपुट देख लिया, बाकी अगर और अच्छी देखना है तो इंस्टाग्राम में आ जाओ मेरे, मुसाफिर 811, सब कुछ इन्फॉर्मेशन। इन्हें जो है हमें चस्का लगा दिया कि हम लोगों ने जो है डैश कैम आगे तो लगाना ही है, तो भाई ने कहा पीछे भी भाई थोड़ा सा सर्विलेंस करो। मैं भाई को सजेस्ट कर रहा था कि कैमरा जो है यहाँ पे इतना सुंदर लगेगा इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, मेरा बता, मैंने जो बताया पहले वो ऑडियंस को बता। ये देखो यहाँ पे लगाने के लिए कैमरा, कि इसका कैमरा जो है यहाँ पे लगा के इसको हम इस तरीके से जो है प्रॉपर। अब मेरा बता जो मैंने बताया। अब भाई कह रहा है कि मुझे यहाँ पे लगाना है क्योंकि भाई की गाड़ी पुरानी स्विफ्ट है, पुरानी स्विफ्ट में कैमरा लगाने की ज्यादा लोकेशंस नहीं है। और लेकिन कितना बढ़िया लगेगा, पीछे जाएगा भाई और ये बढ़िया लगेगा इधर, समझ रहा। चलो भाई रख के देखते हैं, मैं देखूंगा कहाँ लगाना है। ठीक है, आ चुकी है इंस्टॉलेशन के बाद गाड़ी के रिस्पॉन्स चेक की। तो पीछे जो कैमरा लगाया गया है उसका रिस्पॉन्स जो है वो आप लोग चेक कर लो, ठीक है भाई। प्रिंस भैया चलाया गाड़ी और आगे पीछे, अच्छा पीछे ही है ना, दो क्लिक। अच्छा तो आगे का है प्रिंस, पीछे कैसे आएगा ऐसे? अच्छा पीछे कैसे आता है, ठीक है भाई। तो अगर आप लोग चाहो तो अपने बैक कैमरे के साथ भी इसको फिट करा सकते हो, उसमें सीधा बैक कैमरा शो होगा और पीछे का जो लुक है बड़ा ज़बरदस्त है। मैं एक बार लेके जाऊँ। तो अब हमारी गाड़ी में तीन बैक कैमरे हो गए, एक ये, एक वो और एक ये। काम बैक करते वक्त ये करता है, ये आप लोगों को व्यू दिखाता है, ठीक है। तो प्रिंस भैया चलो यार जल्दी से चलते हैं, पहले सीट बेल्ट पहन लो, जैसा आप रिस्पॉन्सिबल बंदे हो तो मेरी भी हेल्प कर दो यार थोड़ी। लो भाई आपकी तो हेल्प ही करते हैं। तो भाई देखो प्रोडक्ट जो हम आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, जो मुसाफिर भैया आप लोगों को दिखाते हैं, जो प्रिंस भैया लेके आते हैं, वो आप लोगों को सारे मुसाफिर कार्स में जो है अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप लोग खरीदना चाहो आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हो। इसी के साथ में इसको अगर आपने बंद करना है तो एक बार बस क्लिक किया ये बंद हो जाता है, ठीक है। और ये ऑन करना चाहो ऐसे तो ये इससे टच से भी ऑन हो जाएगा ना, ठीक है भाई। और इसमें हम सेकंड्स भी सेट कर सकते हैं प्रिंस, कोई तरीका कि ये क्या बोलते हैं कब जो है अपने आप ही ऑफ हो जाए स्क्रीन? जी बिल्कुल। वो कहाँ से होता है भाई, वही बता दो ऑडियंस को। तो पूरा जैसे आप लोग का एंड्रॉइड सीधा होता है ना, वैसे इसका लुक होता है। तो एलसीडी ऑफ में जाना होता है भाई, एलसीडी प्रोडक्शन नहीं स्क्रीन प्रोडक्शन आ गया, सेकंड्स आ गए यहां पे लिखे हुए 30 सेकंड सेलेक्ट हो गया है। एक बार वेट करते हैं 30 सेकंड्स में, देखिए क्या होता है। नहीं रुक जाओ, एलसीडी 10 सेकंड्स 30 सेकंड, ठीक है। अब इधर गए, सॉरी ये तो कुछ और आ गया, कार डीवीआर में जाना था, ठीक है। तो अब 30 सेकंड्स अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई 30 सेकंड्स पे अपने आप ऑफ होता है कि नहीं होता है। और वैसे इसका क्या होता है, 20 सेकंड्स वाला तो नहीं था ना? नहीं 30 सेकंड्स था और ऑफ है मिनिमम, उसके बाद फिर सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं 30 60। तो गाड़ी चलाओ ना देख लेंगे, 120। तो गाड़ी चलाओ, थोड़ा लुक भी लोग जो है तब तक चेक कर लेंगे, पीछे वाला भी पूरा लुक जो अभी दिखा देंगे ऑडियंस। भाई अब 30 सेकंड्स पूरे होने दो, पहले 30 सेकंड्स पूरे होने दो। हां भाई, तो भाई आपके सामने है दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भरी हो गया भाई बंद। 30 सेकंड्स टेस्टिंग डन, देयर वी गो, लेट्स गो। भाई अब 30 सेकंड्स वाला सीन हटा देते हैं ना यहां से, कोई बात है तो मैं दबाता रहूंगा ना, बस कर देंगे भाई, क्लोज कर देंगे भाई उसको 30 सेकंड्स को। अच्छा क्लोज कर दिया, चलो भाई। तो DVR प्लेबैक भी उसमें जो आप लोग देख सकते हो, मैंने मेमोरी कार्ड डाल दिया है और मैंने 64GB का डाला हुआ है इसके अंदर मेमोरी कार्ड, 32GB का डाला है। इस VR ऑल सेट कि हम जो आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाए। तो अभी भाई जो है बैक कैमरे का भी लुक देख लो भाई, बाय चांस आपको कभी अगर देखने की जरूरत पड़ जाए तो ये आगे का व्यू है या पीछे का व्यू है, ठीक है। अभी हम लोग पीछे का व्यू देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? हम यहाँ चलते हैं, वहाँ चलो गए हैं आज इस वाली रोड पे। चलो भाई इस रोड पे चल पड़ो फिर, बढ़िया लाइट जल रही है भाई, पीछे का भी आपको लुक दिख रहा है, आगे का भी लुक दिख रहा है भाई। फ्रंट का चलाओ ना कैमरा, फ्रंट का कैमरा चलाऊं? हाँ जी भाई, फ्रंट का कैमरा चलाना है तो आपने ये क्लिक करना है। ऑसम, व्यू पॉइंट कैसा है भाई? भाई बहुत बढ़िया है और ड्राइवर फ्रेंडली है, अगर गाड़ी चलाते हुए भी मैं देख रहा हूँ तो मिरर ये नहीं है कि लाइट आंखों में लग रही है मेरी, ठीक है। और चाहो तो ऐसे ऑफ भी कर सकते हो, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये ऑफ भी हो जाता है। तो भाई अगर आप लोगों को परचेज करना है तो मुसाफिर कार जो है वो आपकी परफेक्ट जगह रहने वाली है। तो सारा का सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर हमारे प्रिंस भैया है, ठीक है। प्रिंस भैया और मैं कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कोल्ड कॉफी पीने जा रहे हैं, कोल्ड कॉफी पीने जा रहे हैं। और आज की वीडियो भी आने वाली है क्योंकि अभी खत्म हुआ है शूट और 6:30 तो अभी बज रखे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली 7:30 या 8 बजे मैं डालूंगा। लेकिन मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया आप जो मेरी किया सेल्टोस लगी मेरे को 2 मिनट के लिए, उसके पीछे सेल हो गए थे भाई, मैं डर गया भाई आगे गाड़ी देख के, फिर मैं देखा क्रेटा थी वो। तो भाई अगर आप लोगों को प्रोडक्ट खरीदने तो मुसाफिर कार से आप खरीद सकते हो, प्रिंस भैया के पास भी आके खरीद सकते हो। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दिमाग में जरूर रखना, मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बताई है। जो आपके पहले वाला आपको मैंने दिखाया जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है ये 1080p या दूसरे वाला जो है वो 1080p नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग परचेज कर सकते हो, डिटेल्स नीचे है। और वीडियो खत्म करते हैं, इधर चलो ना भाई तेल डलवाना भाई।
भाई डीजल नहीं है गाड़ी के अंदर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट। मुसाफिर की गाड़ी में भी डीजल खत्म होता है भाई, क्या करूँ। वो मेरा वो आज ना मेरा प्लेन उतरा नहीं है इधर डलवा दो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना लिखे MUSAFIR78 की मुसाफिर 11। फेसबुक में फॉलो करना लिखे मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस साइड गाइस करते हैं आज के इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।